नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछु मचन में प्रथम नजर पकाइबा हेडलाइंस ऊपर आज लौह मानव सरदार वल्लभ भाई पटेल को जयंती स्टैच्यू ऑफ यूनिटी श्रद्धांजलि ज्ञापन करे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकता दिवस अवसर में मोदी का संबोधन कहले कोरोना मुकाबला रे देशवासी का उद्यम प्रशंसनीय स्कूल बंद नहीं तातिले ग्रामवासी गंजाम चिकिटी बीर मेकफुर उच्च प्राथमिक विद्यालय मिश्रण को ग्रामवासी विरोध दुई शिक्षकों सीआरसीसी और एबीओ अटक रखने ग्रामवासी आज हेउछि पवित्र कुमार पूर्णिमा और गजलक्ष्मी पूजा सकाळ सकाळ स्नान पर चौरामूले कुमारी पूजा अर्चना सेपटे विभिन्न मंडप चली धनदात्री पूजा अर्चना सुंदरगढ़ बामंडिया गांव में हाथी उपद्रव तीन मस गांव में डेरा पक हाथीपल सेपटे नीलगिरी में झाड़खंडी दंता आतंक घोड़ाइबार वन विभाग विफल पाल्लहड़े चाषी को दलीदेला दंता पुणि टंका बंधा पड़ा शव हस्पिटाल चार्ज दे नपरबार किंग जॉर्ज हस्पिटाल तीन दिन अटक रही बंडा युवकों मृतदेह ओडिशा पुलिस हस्तक्षेप पर पोस्टमार्टम तुर्की ग्रीस प्रकृतिर तांडव भूकंपर जोरदार झटकारे गली पड़ा उच्च अट्टालिका माड़ी आसला सुनामी भूकंपर 22 मृत शताधिक आहत एथर संपूर्ण खबर लौह पुरुषों 145तम जन्म जयंती गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि यह अवसर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता परेड में पीएम को अभिवादन पटेल का जन्मदिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस भाव पालन कर सारा देश देशर प्रथम उप्रधानमंत्री और गृहमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल भारत एककीकरण में अवदान को मन पक मोदी एकता दिवस अवसर में देशवासी को मोदी संबोधन यह अवसर से देशवासी उद्यम को प्रशंसा कर सेपरि आतंकवाद उपरे मोदी कड़ा आभिमुख्य प्रकाश करछन्ति स्कूल बंद को नहीं तातिले ग्रामवासी स्कूल दुई शिक्षक एबीओ और सीआरसीसी को दीर्घ घंटा धरी अटक रखिले लोके अभावनीय घटना घटी गंजाम जिला चिकिटी ब्लॉक अंतर्गत बीरमेकपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय स्कूल रे कम पिला थिबा दर्शाई यहाँ बंद करने को घोषणा कर स्थानीय लोके विरोध करते यार प्रतिवाद में ग्रामवासी शिक्षकों समेत एबीओ और सीआरसीसी को अटक रखी थे शेष घटनास्थल में तहसीलदार और के नुआगाम पुलिस पहुंची बुझासुझा पर लोक तांको छाड़ी थी सूचना रही है आज हूँ पवित्र कुमार पूर्णिमा आश्विन मास पूर्णिमा तिथि कुमार पूर्णिमा पालित हुए आज दिन में ओडिशार घरे घरे झील मैंने बे आनंदर सह यहाँ पालन करते कुमारी झील मैंने सका स्नान नुआ वस्त्र परिधान कर तुलसी चौरामूल में पूजा करती एक कुलारे खई और सात प्रकार फल नहीं चौरामूल में विधिसह पूजा अर्चना करती कुमारी कन्या मैंने सन्धार आकाश में चंद्र आसवापर पूजा करती विभिन्न प्रकार फल खई नड़िया कदमी छेना दही क्षीर काकुड़ी आखु आदि को चकटा भोग कर चंद्र आकृतिर कर पूजा करने निज सांग खुआई था आज ठारु प्रसिद्ध माँ गजलक्ष्मी पूजा विभिन्न पूजा मंडप आरंभ हो तबे एथर कोरोना पाई फिका पड़ी माँ पूजा माँ लक्ष्मी सौभाग्य सौंदर्य संपदर अधिष्ठात्री देवी सारा राज्य में माँ पूजा अर्चना उत्सव मुखर होती कोरोना पाई लगी कटकणा सामाजिक दूरत्व रक्षा करने विभिन्न मंडप चली धनदात्री पूजा अर्चना श्रीमंदिर कुमार पूर्णिमा उपलक्षे महाप्रभु स्वतंत्र नीतिकांति अनुष्ठित होउछि श्रीमंदिर मध्यान धूप शेष होबा परे श्रीदेवी और भूदेवी को खट सेज कर घरे विजे कराजिबो एहा परे आज्ञामाला पाई श्री सुदर्शन विजे होई
चौदेउल बाली साहि स्थित भृगु आश्रम विजय हो पंती भोग और बंदापना नीति सरपर पश्चिम द्वार दे श्रीमंदिर परिवर्तन करे। बड़ सिंहार भोग सर रत्न सिंहासन तले ऊपर सकटा पसा और कौड़ी खेल हो श्रीमंदिर परंपर यह दूत क्रीड़ा उत्सव नाम अभिहित सर्त अनुजाई द्वितीय क्रीड़े माँ महालक्ष्मी ठार जगन्नाथ महाप्रभु हारी प्रभु चलती प्रतिमा श्रीमाधव सात दिन पर्यंत लक्ष्मी मंदिर में बंधा रहे। अष्टमी दिन अवकाश पूजा समय पुनः माधव सिंहासन विजय करे। महाप्रभु तरफ प्रतिनिधि मुदिरस्त और लक्ष्मी प्रतिनिधि भितर छु महापात्र एक टिहींगुण कौड़ी एक रूपा कौड़ी पसा सकटा खेल मान खेली था। जय जय जगन्नाथ नित्यानंदमय पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र रे कालिया शांत नीलाद्रि कंदर रे विराजमान करी नित्योत्सव पालन करुछंती। आज परम पवित्र कुमार पूर्णिमा श्रीमंदिर रे महाप्रभुंकर कुमार पूर्णिमार अवसर रे अनेक नीति कांति सेवा पूजा सहित महाप्रभुंकर सेवा अनुष्ठित होइथाय। प्रात समय रु महाप्रभुंकर सिंहद्वार खोला जाय मंगलाळती संपन्न परे नित्य अवकाश ततपरे समस्त दैनदिन नीति संपन्न परे मध्यान्ह धूप पूजा बढ़ी सारी बापरे महाप्रभुंकर चक्र सुदर्शनं महाज्वालं कोटि सूर्यं समप्रभु अज्ञानं तिमिरां धस्य ज्ञानिनां मुख्यदायक स्वयं चक्रराज सुदर्शन आज श्रीक्षेत्र भ्रमण रे विराज पदार्पण करिबे। दैतापति सेवक माने सुदर्शन को रत्न सिंहासन विजय कराई चौदल रे विराजमान कराई महाप्रभु सिंहद्वार दे बाहरी श्रीक्षेत्र को परिक्रमा करी पश्चिम द्वार दे महाप्रभु श्रीमंदिर मध्य प्रवेश करिबे। एवं आज पवित्र कुमार पूर्णिमार अवसर रे महाप्रभुंकर श्रीमंदिर रु आज्ञामाल प्राप्त होई स्वयं मदन सुंदर एवं महालक्ष्मी लक्ष्मींकर जगमोहन को पद यात्रा करी थांती सेठारे जगन्नाथंकर प्रतिनिधि स्वरूप मुदिरथ एवं मांकर प्रतिनिधि स्वरूप भितर्च महापात्र सेठारे जौ कौड़ी खेल एवं सकटा खेल संपन्न परे पुनर्बार महाप्रभुंकर श्रीमंदिर रे संध्या धूप पूजा बढ़ी सारिबा परे भितरे सिंहासन उपरे सिंहासन तले पूजा पंडा पति महापात्र मुदिरस्त जुआ सकटा पसा ए समस्त खेल संपन्न परे ए खेल रे गोटिए चुक्ति होई था जो खेल रे जे हारिबो से तांको पाखरे बंधा होई रहिबो तेणु लक्ष्मी एवं भगवान जगन्नाथ मध्य गोटे चुक्ति होई ए जुआ सकटा कौड़ी खेल रे महाप्रभु ए खेल रे स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु हारी जाते तेणु हारिबा चुक्ति अनुसार माधव स्वयं जगन्नाथंकर प्रतीकात्मक विग्रह कुनि जगन्नाथ माधव आज ठार श्रीलक्ष्मींकर मंदिर जा सात दिन पर्यंत बंधा हो रे सात दिन पर माधव मूर्ति मुक्त लाभ करी सिंहासन उपरकू आसवे तेणु आज पवित्र दिवस श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर श्रीमंदिर कुमार पूर्णिमार अवसर में ये समस्त विधि विधान नीति अनुसार समस्त नीति संपन्न होता है तेणु आज पवित्र दिवस जगन्नाथ को स्मरण करवा चिंतन करवा समस्त व्यक्ति मानकर परम धर्म परम कर्तव्य अटे। गंजाम विभिन्न जुआ अड्डा उपरे चढ़ाऊ आशिकार विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ कर पुलिस सतर जन जुआड़िया गिरफ्त करपर गांगपुर षोह जन जुआड़ी को गिरफ्त कर पुलिस सेमु पुलिस टंका और मोबाइल जबत कर दुई दिन मध्य पुलिस प्राय शताधिक जुआड़ी को गिरफ्त कर सूचना रही। गंजाम कंधमाल सीमांत पुलिस और माओवादी मध्य गुड़ विनिमय एसओजी पक्षर कम्बिंग ऑपरेशन बेले गंजाम कंधमाल सीमांत चढ़ईपल्ली गां निकटस्थ लंडवाली जंगल रे सुरक्षाकर्मी और माओवादी गुड़ विनिमय हो गुड़ विनिमय में कौन माओवादी मृताहत हो नाबे घंच जंगल मध्य माओवादी छत्रभंग माओ क्या ठाब होता बेले विपुल परिमाण में माओ सामग्री सह बंधुक जबत कर एसओजी टीम सीमांत लंडवाली जंगल जीवंत गुड़ सह गोटे 303 बंधुक डिटोनेटर किसी आर्टिकल मेडिसिन और माओ सामग्री जबत हो तेरे कंधमाल जिला तुमुड़ीबंध थाना सिल्ला जंगल रे माओवादी एनकाउंटर रे सात माओवादी निहत कलाहांडी कंधमाल सीमांत सिरकी जंगल रे चारि माओवादी निहत पर कम्बिंग ऑपरेशन को जारी रखिता एसओजी टीम तेरे माओवादी दिग परिवर्तन करी गंजाम कंधमाल सीमांत आड़े मुहांती एवं भी जंगल रे कम्बिंग ऑपरेशन जारी रही।
ଦଳିଦେଲା ଦନ୍ତା। ରାତିରେ ବିଲକୁ ଧାନ ଜଗିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଚାଷୀ ମୃତ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲହଡ଼ା ବ୍ଲକ ବତିଶୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ବତିଶୁଆ ଶ୍ରୀରାମପୁର ଗାଁରେ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବତିଶୁଆ ଶ୍ରୀରାମପୁର ଗାଁର ଅନାଦି ହାଣ୍ଡିଆରୀ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବିଲକୁ ଧାନ ଜଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ 17ରୁ 18 ହାତୀପଲ ବିଲରେ ପଶି ଧାନ ଖାଉଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ହାତୀପଲକୁ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ତେବେ ହାତୀ ଦଳିଦେବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ 149 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ନଜର ପକାଇବା ବିଜେପିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଉପରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ 20 ବର୍ଷ ଧରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାସନରେ ଅବହେଳିତ ହୋଇଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କିଛି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ବୋଧନ ରହିବ। ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ଉଦ୍ବୋଧନ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାହେଲେ କାହାର ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନୁହଁ, କଣ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଡିବ? ଏହା କଣ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଶୋଭା ପାଏ? ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କହିଥିଲେ ବିଜେପୁରରେ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି, ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର, ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଲେ, ଜିତିଲା ପରେ ଛାଡିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ପୁଣି ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ଗଙ୍ଗାଧର ବେହେର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘୋଷଣା, ଆଜି କେବଳ ଫଳକ ରହିଛି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନି। ପାଟକୁରା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ କହିଲେ ଯେ ପାଟକୁରାବାସୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର, ନିର୍ବାଚନ ସରିଯାଇଛି, ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଟକୁରାରେ ସରିଯାଇଛି, କୋଉ ଦାୟିତ୍ୱଟା ନିର୍ବାହନ କରିଛନ୍ତି? ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କୁ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଝାସାରେ ଆସିବେ। ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଗଲା ପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର, ଏହା ଏକ ଏ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଠକିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେତେ ଥର ଆପଣ ଉପନିର୍ବାଚନ କରେଇବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ? କୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ନିର୍ବାହନ କରିଛନ୍ତି? ଏପଟରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ଜନୈକ ବିଧାୟକ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର, ସେ କଣ କହିଲେ ନା ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଗୁଠ ଖଣ୍ଡିଆ। ଇଏ କି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ? ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ କୋଡ଼େ ଜଣ ନେତା ବାଲେଶ୍ୱର ବିଧାୟକଙ୍କୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ବାସୀଙ୍କୁ ଅପମାନିତ ନିନ୍ଦିତ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ବାରମ୍ବାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ବକ୍ତବ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋକା। ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଏହାର ଉଚିତ ଜବାବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେବେ, ଏ କଥା ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି କହିଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହନ କରିନାହାନ୍ତି, ତାର ଚିଠା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବି। ବିଜେପୁରରେ କଣ କଣ କହିଥିଲେ, ଆପଣ କଣ କରିଛନ୍ତି? ସବୁଠୁ ବଡ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଧର ବେହେର ପ୍ରକଳ୍ପ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାନି। ସେଠି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହିଁ, ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଆଜି ବି ଆପଣ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ପାଟକୁର ଅବସ୍ଥା ତାଠୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର, ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏଠି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ କଥା ଯାହା 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ କହିଥିଲେ ଆପଣ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଫ୍ଲାଇଓଭର କୁହନ୍ତୁ, ଏଠି ଡାକ୍ତରଖାନାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଠି ରାସ୍ତାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଠି ରୋଜଗାରର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଦିଗରେ ଆପଣ ହାତ ମାରିବେ ବାଲେଶ୍ୱର ସବୁ ଦିଗରେ ପଛରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ନେଇଥିଲେ, ନେଇନଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ତ ଏଠି ସାଂସଦ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ମନା କରିଥିଲା? ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡିବା ପାଇଁ, ଠକିବା ପାଇଁ ଇଏ ଯୋଉ ଭାଷଣ, ଇଏ ଯୋଉ ବକ୍ତବ୍ୟ, ଏଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅପମାନିତ କରୁଛି, କେତେବେଳେ କିଏ ପୁରା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କହୁଛି ତ, କେତେବେଳେ
आपण देखुथिले बालेश्वर बीजेपी सांबादिक सम्मेलनी सांबादिक सम्मेलनी रे बीजेपी साधारण संपादक गोलोक महापात्र से मुख्यमंत्री को कड़ा समालोचना करने सहित दल उपर खूब बर्षि परवर्त खबर को सुंदरगढ़ फॉरेस्ट रेंजर बामडिया डिही गाँव में हाथी उपद्रव दीर्घ तीन मास है हाथीपल गाँ भर पशि व्यापक क्षयति घटाऊ जुलाई मसर उभय फॉरेस्ट रेंजर व्यापक मात्रा में फसल और धनजीवन क्षयति घटाऊ हाथीपल अंपटे हाथीपल घोड़ाइबारे विफल हो वन विभाग जहाँ को नहीं साधारण असंतोष देखा दैछि। हां साड बेल नुका हाथी आउछि जाउछि आउछि जे बारंबार आउछि जे आउ निजिवार नै आउ सबले खातिर जो छे आउ फरस्टा गांगे डाकले तो कहबे के कहां खाला काना चिल्ला पुल्ला तो से अपने असवार नै फरस्ट गाड़ आउ छन आउ देखि जाई करे से अपने लेखु छन हमें भी ताक संगे जो आदुरा के देखो फॉरेस्ट और लोग बड़वागे कम आउछन बाकी हमें हमें निजे निजे हमारे हिसाब से खेद हाथी गुराक अनेक लोग तो कते नि कते जाइए आओ निजटा तो कही नहीं हबार पर लोग कहें निजटा दुई एकड़ तीन एकड़ लेखा जाऊे दिन दिखा सब बोले तो सब प्रकार ढुकी खाए खाई पी नष्ट कर फसल नीलगिरी रे झाड़खंडी दंता उपद्रव चलित वर्ष झाड़खंडी दंता प्रवेश करी गोपालपुर जंगल रे रही तेबे संध्या हेले हाथीपल जनबसती आड़ को आसी व्यापक क्षयति घटाउछन्ती धान फसल नष्ट करबा सह घरदार भांगुछन्ती दंता खबर पाई नीलगिरी और कुलडीहा वन विभाग हाथीर गतिपथ उपरे नजर रखिछन्ती आंध्र हॉस्पिटल रे छाड़िले मृतदेह तीन दिन विशाखापाटन में बंधा पड़ा बंडा युवक मृतदेह दुर्घटना पर अधिक चिकित्सा निया किंग जॉर्ज हॉस्पिटल सेठारे मृत पर छाड़ी नथिले शव देखंतु ए रिपोर्ट आंध्र हॉस्पिटल रे बंधा मृतदेह किंग जॉर्ज हॉस्पिटल रे तीन दिन अटक रही बंडा युवक मृतदेह ओडिशा पुलिस हस्तक्षेप पर पोस्टमार्टम आंध्र में बंधा पड़ी मृतदेह एपटे पुओ को चाह रही मलकानगिरी बंटा घाटी अंड्राहाल गाँव में राजू बड़नायकों पर गत 22 तारीख में अनगेल गाँ निकटने दुर्घटनार शिकार होते राजू प्रथम लमतापुट डाक्तरखाना निया अधिक चिकित्सा डाक्तर गत 23 तारीख दिन पठाई देते विशाखापाटनार किंग जॉर्ज हॉस्पिटल सेठारे तीन दिन चिकित्सा पर आखि बुझी राजू किंतु हॉस्पिटल बिल देवा असमर्थ थे परिवार यहसह हिंदी किंवा तेलुगु कहीपार्वा राजू संपर्क कथा शुणी नथिले हॉस्पिटल कर्तृपक्ष पैसा पत्र खोजी बुलूसी जे पैसा पत्र किसी देवत ना से लास्ट मिसा देव ना से पैसा बोलानी से मांगला जे से लास्ट देव ना केबे साड़ बाबा की से केबे साड़ बर नाइबे की मंगलवादी मोलाटा से लास मिसा देबो नै आज देबो बे की नाइबे की फोन कला लगे गला पाई नाच भी देई नांती बिल कोइला पैसा पत्र नै कोन नै पुलिस को कोइले पुलिस भी एमएल माने आंकु कोइले माने भाई मान कोन कोइला की मोई भी से डिटेल मु खबर पाइनी आ सरकार भी टे सा आम को स्थानीय विधायकों हस्तक्षेप पर किंग जॉर्ज हॉस्पिटल पहुंची ओडिशा पुलिस यापर मृतदेह पोस्टमार्टम करा खूब शीघ्र प्रशासन सहायतार राजू का मृतदेह पर निकट में पहुंचे विधायक जिला प्रशासन सहयोग एवं पुलिस प्रशासन सहयोग में आज पोस्टमार्टम हो निश्चित भाव से आज शवटा को पाने धरिकी आसवे अनुरोध रहिबो जिला प्रशासन को एवं स्थानीय प्रशासन को जेहेतु जड़े बंडा युवक पीपीएल परिवार किसी आर्थिक सहयोग करवा सरकार तरफ जहाँ व्यवस्था रही आर्थिक सहायता देने से निश्चित भाव उपकृत हमें पर सहयोग हो पारे शव को असम्मान टंका ना बोली बंधा पड़ा मृतदेह विशाखापाटनार किंग जॉर्ज हॉस्पिटल कर्तृपक्ष कारनामा सृष्टि अनेक प्रश्नवाची केमिति मानविकता भूली गले हॉस्पिटल कर्तृपक्ष राजू संपर्क को कहीं हस्तांतर हलानी मृतदेह
ହୁଏତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ରାଜୁଙ୍କ ପରିବାର ପାଖରେ ଜୁ ନାହିଁ। ଖଇରପୁଟ ଅଣ୍ଡ୍ରାହାଲରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯୁବକଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବକ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଧାମନଗର ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୃତ ଯୁବକ ହେଲେ ଧାମନଗର ଦକ୍ଷିଣ ବାଡ଼ର ସତ୍ୟଜିତ ପଣ୍ଡା। ଗତକାଲି ଦିନ ପ୍ରାୟ 3ଟା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଦକ୍ଷିଣ ବାଡ଼ ଗାଁର ଯୁବକ ସତ୍ୟଜିତ ପଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ବଜାର ପଟୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିକଟ ଚୁନିପଡ଼ା ଛକଠାରେ ତାଙ୍କୁ 4ରୁ 5 ଜଣ ଯୁବକ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବଇଁଚୁଆ ଛକରେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଟ୍ରକ୍ରେ ପିଟି ହୋଇ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିଲେ, ତେବେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଏସ୍ସିବିକୁ ପଠାଇଛି। ସେପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଟାଙ୍ଗୀ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ବାମଡିଆ ଡିହି ଗାଁରେ ହାତୀଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ। ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ହେଲା ହାତୀପଲ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଉଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ଉଭୟ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଫସଲ ଓ ଧାନ ଜୀବନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଉଛନ୍ତି ହାତୀପଲ। ଅନ୍ୟପଟେ ହାତୀପଲ ଘୋଡ଼ାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ବନ ବିଭାଗ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସାଗର ପଣ୍ଡା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସାଗର, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ବାସ୍ତବିକ ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ରହିଛି, କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏଭଳି ହାତୀ ପଲ ବା ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିନେ ନୁହେଁ କି 2 ଦିନ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ଧରି ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ହାତୀ ଓ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଛି। ତ ଗାଁର ଲୋକେ ବନ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହାତୀକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଉ। ତେବେ ସାକରଙ୍କ ସହ ପରିଷ୍କୃତ କରାଯାଇଛି, ସେବାରେ ସେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ କର୍ମଚାରୀ ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି, ସାଗର ପଣ୍ଡା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ବାମଡିଆ କାଶବାରନି ଚେକିଂ ଲାଗି ଆଉ ଖାଲି ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡକେ ଖାଲି ପଠେଇ ଦେଉଛି। ତେବେ ସାଗର, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେ ବନ ବିଭାଗ ଏ ନେଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ନା ନାହିଁ? ତେବେ ସାଗରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ବାମଡିଆ ଗାଁରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ହେଲା ହାତୀପଲ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ହାତୀପଲ ଘୋଡ଼ାଇବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି ବନ ବିଭାଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 3 ମାସ ଧରି ଯେଉଁ ହାତୀପଲଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେଠାରେ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସାଗର, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ ବିଭାଗ ଏ ନେଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ନା ନାହିଁ?
देखु दीर्घ तीन मास धरी बारंबार प्रतिदिन ये अंचल हाथी आसज है मान ही हाथीर उपद्रव आरंभ हो जाती किंतु वन विभाग को जितेबले से राति खबर देखने सका आसल क्षय क्षतिर आकलन करु हाथी घोड़े पार ना जहा कि ग्रामवासी एक मुख्य समस्या सृष्टि करज जीवन को बाजी लगाई से हाथी को घोड़ा केतबले निया हुला देखा केतबले बाण फुटाई से हाथी को घोड़ापी चेष्टा किंतु तीन मास धरी जो भाई भाव में हाथी उपद्रव जारी रही क्षय क्षतिर आकलन करुचे सत किंतु हाथी मान को कहीं अटक पारुनि असुविधा कौटी देखंतु आमे गत काली किछि वरिष्ठ वन विभाग ऑफिसर को संगे कथा होतिलु सेमाने निजर नाम गोपनीयतार शर्त रखी सेमाने जा कहितिले जे समुदाय सुंदरगढ़ वन विभाग वनखंड अधिकारी अंचल जो सब फॉरेस्ट रेंज आसुची समस्त फॉरेस्ट रेंज रु किछि परिमाण रे पेट्रोलिंग गाड़ी जहाँ रही हटे दि जाइए फल प्रति वर्ष उपद्रव होते वन विभाग गोटे प्रकार परिस्थित को आयत्त कर पार्ला किंतु चलित बर्ष हाथी उपद्रव चरम सीमार पहुँची केवल बामंडियाडी अंचल नुहे बड़गाम फॉरेस्ट रेंज सुंदरगढ़ सदर फॉरेस्ट रेंज बणई फॉरेस्ट रेंज ये सब अंचल व्यापक भाव हाथी उपद्रव जारी रही सुंदरगढ़ में वर्तमान जदि देखा पखापाखी पचास रु ऊर्ध हाथी रही विभिन्न अंचल से क्षयति घटाऊँ किंतु वन विभाग पाखे वर्तमान से ही पेट्रोलिंग गाड़ी ना कि भाव में मैन पावर ना से हाथी को घोड़ापी अन्त्र घोड़ापी एवं परिस्थित को आयत्त करने निश्चित भाव में सागर बहुत बहुत धन्यवाद आप समस्त तथ्य और आलोचना शुणुते सुंदरगढ़ रु आम प्रतिनिधि आम सहित सागर पंडा जोड़ी होते जो भाव में कहते दीर्घ तीन मास भाव में हाथी मान उपद्रव देखा मिली कि कौटिना कौटि वन विभाग से काबू कर फेल मारी समस्त बुलेटिन को ये रखु नमस्कार।